क्या स्मूल पे गाना गा के पैसे भी कमाया जा सकता है? स्मूल पे पैसे का ऑप्शन कहाँ पे होता है? स्मूल पे कौन सा सॉन्ग गाए जिससे ज़्यादा पैसे इनकम होगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लगते हैं जब आप स्मूल पे कोई सॉन्ग गाते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे राजन सपोर्ट में। आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि स्मूल से पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका था कि स्मूल पर पैसे का ऑप्शन कहाँ पे है, पैसे का बटन कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूँ, जो आपको कॉइन्स मिलता है गिफ्ट में, उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। उसे आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन उसे जब मिलेगा आपको गिफ्ट में, तो उसे एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं पैसे में। मतलब पैसे का कोई ऑप्शन और बटन नहीं होता है स्मूल पे। अब समझ गए आप? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है स्मूल पे पैसे कमाने का, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छा तरीका है स्मूल पे, आप अच्छे से गाइए और उसके सॉन्ग को यूट्यूब पे पोस्ट करिए। यूट्यूब पे कैसे पोस्ट करना है, इसका मैं सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले यूट्यूब पे एक म्यूजिक करियोके जो आप जहाँ यहाँ पे जो गाते हैं वो खोजना है। स्मूल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो जो आप अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट पे आपको चैनल तो मोनेटाइज होंगे लेकिन अर्निंग नहीं होगा। तो आपको यूट्यूब पे कॉपीराइट फ्री वाला म्यूजिक खोजना है, जैसे कि आप पल पल दिल के पास ये सॉन्ग गाना है, इसका यूट्यूब पे सर्च करिएगा पल पल दिल के पास अनप्लग्ड कॉपीराइट फ्री, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कॉपीराइट फ्री। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और स्मूल पे अपलोड करना है। कैसे अपलोड किया जाता है, इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। आप सर्च करेंगे स्मूल सॉन्ग अपलोड बाय आरजे राजन या हाउ टू अपलोड करियोके ऑन स्मूल बाय आरजे राजन, तो मिल जाएगा। ठीक है, तो स्मूल पे अपलोड कर लेंगे आप, उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एकदम परफेक्ट आपका वॉइस और म्यूजिक का बैलेंस, स्मूल के साउंड सेटिंग्स भी देख लीजिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको स्मूल साउंड सेटिंग्स बाय आरजे राजन। तो अच्छे से बैलेंस के साथ स्टूडियो जैसे आपकी आवाज़ होना चाहिए ऑडियो में गा लीजिएगा। ठीक है, ऑडियो में गाने के बाद आप उसको अलग से वीडियो रिकॉर्ड करिएगा और बैकग्राउंड में इसे बजाइएगा। ठीक है, अब उसे वीडियो एडिट कर लीजिएगा। स्मूल पे वीडियो नहीं करना है आपको, ऑडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो बाहर से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि स्मूल वाला वीडियो यदि अपलोड करिएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और रीयूज कंटेंट मान लेगा। तो अलग से वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसको काइंड मास्टर पर एडिट करना है, फिर उसके बाद आपको यूट्यूब पर पोस्ट करना है। ऐसे में आपको कॉपीराइट भी नहीं आएगा और आपके चैनल ग्रोथ भी होगा और पैसे बहुत ज़्यादा कमाएंगे और आपको पब्लिसिटी अच्छे से मिलेगा। अब आपको कैसे एडिट करना है ये आपको नहीं पता होगा, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ। मैंने स्मूल से एक सॉन्ग गाया था, उस पर ही जस्ट गाया है। कवर सॉन्ग कैसे बनाएं बाय आरजे राजन सर्च करिएगा, या दो तीन वीडियो पहले देखिएगा, या ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कैसे स्मूल से सॉन्ग गाया, कैसे उसमें वीडियो अलग से एडिट किया, कैसे उसको एडिट किया और एक कवर सॉन्ग बनाया जिसमें मुझे कॉपीराइट भी नहीं आया है। आपको दिखा दूँ, कॉपीराइट भी नहीं आया है मुझे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, आपको पब्लिसिटी भी मिलेगा, आप स्मूल पे ट्रेंडिंग कर जाएंगे तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, 10, 20, 50 लोग जानेंगे, लेकिन YouTube जो ऐसा दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको एक बार जो ट्रैफिक मिल गया तो आप लाइफ टाइम एक सिंगर बन सकते हैं और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा।
तो कैसे करना है एडिट, ये आप वो वीडियो देख लीजिए और समझ जाएंगे। आई होप दोस्तों मैंने आपको जो कुछ समझाया आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स करिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।